नमस्कार। आजकल बहुत एक चर्चा में है बात कि नए नए लोगों में, युवा लोगों में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और ज़्यादा संख्या में हो रहे हैं। जितना पहले कम उम्र में लोग नहीं मरते थे, उससे ज़्यादा लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। और उसको बड़ी हद तक कई ऐसे लोग हैं जो डाटा के ज़रिए से या वैसे ही है या अनुमानतया ये कह रहे हैं कि ये कोविड के बाद ये बढ़ गया। अखबारों में भी इस तरह की बातें आ रही हैं और साथ में डॉक्टर्स की कम्यूनिटी में भी कुछ हद तक इसको लेकर के एक रिसर्च हो रही है। अब चीज़ें जो हैं, सच्चाई क्या है कि क्या ये कोविड को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा जाए या कि कोई और चीज़ें भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेरी समझ जो कहती है, जो मैं बहुत समय से देखता हूँ, कि जो एक कोविड के समय में एक चला था कि भाई खून गाढ़ा हो जाता है, अब खून गाढ़ा हो जाता है ये तो काढ़ा हो जाता था उस समय में, हो गया गाढ़ा और ज़्यादा गाढ़ा हो गया जब कोविड हुआ था। उस समय में वो डी डाइमर टेस्ट होते थे, आपको याद होगा, तो वो ये गाढ़ेपन की ही वो टेस्ट करते थे। अब ये गाढ़ेपन के लिए जो एंटीकॉगुलेंट्स थे और जो पतले करने की दवाइयाँ थी वो कोविड के मरीजों में भी दी गई और हार्ट अटैक को ऐसा माना गया कि वो एक खतरा है इस बीमारी के साइड इफ़ेक्ट के रूप में, इस बीमारी के बाय प्रोडक्ट के रूप में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। ऐसा करके तब भी ये एक डॉक्टर्स के पास में ये भय होता था और उसके लिए कुछ ना कुछ वो उपाय करते थे, जो उसमें से कई उपायों ने वास्तव में कई लोगों को बहुत नुकसान भी किया, जिनमें से एंटीकॉगुलेंट्स की वजह से ब्लीडिंग होकर के बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। अगर आप डाटा तलाश करें तो कोविड के समय में गाँव में रहने वाले गरीब तबके के लोगों की को जो कोविड हुआ, उनके पास वो क्षमताएं नहीं थी कि वो नागपुर, जबलपुर, भोपाल इत्यादि बड़े बड़े सेंटर्स पे जा करके खूब जोरों से 30-40 लाख रुपए के इलाज को कर सकते होते। इसलिए वो बेचारे नहीं गए कहीं और आसपास के छोटे मोटे जो भी उनको अवेलेबल हुआ, जो प्रैक्टिशनर कहीं मिला या कोई वैद्य मिला, या मेरे पास भी उस समय 400 पेशेंट्स के मैंने खुद ट्रीटमेंट किए और हमारे पेशेंट्स में से कभी कोई नहीं मरा। एक मज़ेदार बात क्या हुई थी कि 6 मरीज मेरे पास एक ही गाँव के आए और ये बिल्कुल सच्ची किस्सा है, उन लोगों से मैं आपको किसी दिन मुलाकात पर कराने की कोशिश भी करूँगा। तो ये 6 लोगों में से 3 दिन तक मेरे उनको दवाई दी, 3 दिन का मैं आयुर्वेदिक का और कुछ एक बेसिक जो ट्रीटमेंट उस समय चल रहा था वो भर करता था। मैं कार्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीवायरल ये सब कुछ नहीं देता था और ना मैं कभी डी डाइमर वगैरह के बारे में चर्चा करता था। और मैं एक पथ्य करके पतली खिचड़ी, मूंग की दाल, चावल की पतली खिचड़ी, सेब और मौसम्बी का प्रयोग करता था, गर्म पानी का प्रयोग करता था और इससे मैं वो ठीक हो रहे थे। लेकिन ये 6 मरीज जो थे ये काफ़ी तेज लक्षणों वाले थे और ये 3 दिन तक इलाज करने के बाद 4th दिन आए और उन्होंने आते साथ ही बहुत हल्ला मचाया कि साहब हमको बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो रहा। तो हमने उनको सबको रेफरल स्लिप बनाई, हमने कहा आप जिला अस्पताल चले जाओ या आपको जहां लगे प्राइवेट में चले जाओ, लेकिन अब मैं आपको आगे इलाज नहीं करूंगा। तो वो लोग यहां से सब चले गए। जाने के 3 घंटे के बाद उसमें से 4 लोग वापस आए। वो 4 लोग जो थे वो मैं आश्चर्यचकित हुआ, मैंने कहा भाई तुम क्यों आ गए? साहब वहाँ पे दरवाजे पे ही 5,000 रुपया पहले जमा करा रहे हैं और उसके बाद वो नहीं तो वो अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं और अस्पताल में तो साहब एक बार चले गए तो फिर उधर से वापस निकलने का चांस ही नहीं रहेगा। तो हम लोग बोले घर जा करके 1-2 दिन में पैसा बना के जाएंगे। तो हमने कहा 2 दिन की आप हमें दवाई, हम कहें 2 दिन में, हम 3 दिन की दवाई देने का रूटीन है हमारा, हम 3 दिन की देंगे, तुमको नहीं फ़ायदा हो तो तुम उधर ही उधर जब भी जिस घड़ी भी तुम्हें लगे तुम चले जाना, हमसे पूछना नहीं, न फोन नहीं करना। तो वो लोग बोले साहब हम बात मान गए, वो तो मजबूरी में थे, उनके पास पैसे ज़्यादा थे नहीं। तो मैंने उनको 500-600 रुपया जो मैं लेता था वो मैंने उनसे लिया और उनको थोड़ी सी दवाइयाँ दे दी आयुर्वेदिक में, महासुदर्शन चूर्ण वगैरह, और हल्का हल्का क्लीनिंग करने की मैं कोशिश उस समय भी करता था पर जोर से क्लीनिंग नहीं कर रहा था क्योंकि बीमारी एक अजनबी बीमारी थी और मुझे नहीं ज्ञात था कि इसमें अपन कितना पेशेंट को शोधन कर सकते हैं, शोधन चिकित्सा की कितनी गुंजाइश है वो मुझे नहीं पता था। लंगन दीपन तो हम कर रहे थे, लेकिन हुआ ये कि वो 4 मरीज जो है 3 दिन के पश्चात
फिर मेरे पास वापस आए और उन्होंने कहा कि साहब हमको थोड़ा थोड़ा फ़ायदा हुआ अभी भी, लेकिन हमारी खांसी चल रही है, अभी भी हमको बुखार थोड़ा थोड़ा रहता है, और वो मीटर वाला कहता है कि तुम्हारी ऑक्सीजन कम हो रही है, तुम भर्ती हो जाओ। तो मैंने उनको सबको ऊटू वगैरह जाँच करी, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था और थोड़ा थोड़ा सा था। मैंने उनको प्राणायाम करने की सलाह दिया और साथ में मैंने फिर उनको थोड़ी और अच्छे से देख करके श्वासारी रस का मैं प्रयोग कर रहा था, अदरक रस और शहद के साथ में, और मैंने वो सब सलाहें उनको दे दी। और मैंने हल्का सा शोधन, मैंने कहा 5/6 दिन हो गया है, तो मैंने हल्का सा शोधन चिकित्सा उसमें जोड़ी, मृदुरेचन किया उनको मैंने हल्का सा बिल्कुल, और खिचड़ी में मैंने हल्का सा घृत का प्रयोग मैंने उनको कराना शुरू किया। उसके बाद 9 दिन होने पे वो लोग आए और आकर के वो बिल्कुल ये समझे आप कि कहने लगे कि साहब अभी हम बिल्कुल अच्छे जैसे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कमजोरी बहुत लग रही। तो फिर मैंने उनको फिर कुछ दवाइयाँ बनाने की बात की और मैंने उनसे अचानक मेरे को याद आया कि 2 मित्र और आए थे, तो उनसे मैंने कहा भैया वो 2 लोग कहाँ गए? अरे साहब, तो वो लोग उठ करके मेरे को पैर वगैरह पड़ने लगे। मैंने कहा क्यों तुम लोग ये क्यों कर रहे? तो बोला कि साहब वो दोनों आदमी में से एक भोपाल गया था और एक नागपुर गया और वो दोनों मर गए और हम लोग आपके पास रह करके जिंदा हो गए। तो हमने बोले हमने कछु नहीं किए यार, बड़े बड़े डॉक्टरों के मुकाबले में हमारे पास तो ज्ञान भी कम है और हमने वो दवाइयाँ जो भयंकर किस्म का इंटरवेनस ट्रीटमेंट उस समय चल रहा था, बल्कि भर्ती करके ही सारे इलाज हो रहे थे या OPD में भी कई लोग आई भी कर रहे थे, पर बहुत भयंकर दवाइयाँ चल रही थी इंटरवेनस में, आप सबको पता है इन सब ये सब बारे में। तो इसको देखेंगे अगर हम कि वो बड़ी मेरे लिए एक आश्चर्य तो था कि ये कैसे। तो वो लोगों ने कहा कि साहब हमारे यहाँ पे और भी लोग थे और कहीं कोई वैद्य कोई ऐसे ही लोग मोहल्ले का डॉक्टर या कोई ऐसा कर रहा है, तो वो लोग ठीक हो रहे हैं और ये तो मर गए। तो तब से मेरा अनुभव ये कहला रहा है कि किस हो ना हो इलाज ने भी लोगों को नुकसान किया। हालांकि ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ किसी के ऊपर, व्यक्ति विशेष के ऊपर, डॉक्टरों के ऊपर, अस्पतालों के ऊपर, ये मेरा कोई आरोपण नहीं है, ना मैं उनको कोई ब्लैकलिस्ट करना चाहता, ना मैं उनके विरुद्ध में कुछ कह रहा हूँ, लेकिन बात यह है क्योंकि उन्होंने तो जो किया वो आपके भले के लिए किया, उन्होंने वो किया जो उस समय में सबसे अच्छा माना जा रहा था, इसलिए किसी का दोष नहीं है इस पूरी बातों में, दोषारोपण का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। अब मैं आपको साफ कहूँ कि ये लेकिन निश्चित है कि केवल बीमारी ने लोगों को मारी ये बात सच नहीं है, कई बार कई चीज़ें और हुई हैं जो बहुत गहराई से जांच करने पे और आत्मनिरीक्षण परीक्षण करेंगे अगर हम लोग सब मिल करके, तो ये पता लगेगा कि वो बहुत गलतियां हुई हैं और उससे भी लोगों को नुकसान हुआ है। बीमारियों ने मारा कितना दवाइयों ने मारा, कितना गलत समझ के कारण मरे, कितना लोगों की गलती, किसकी कहाँ गलती, ये निकालने की बात नहीं है, बात सत्य को समझने की, बात किस वजह से क्या हुआ, क्योंकि गलतियाँ करना मनुष्य का स्वभाव है, गलतियों को सुधार करके और नए सिरे से आगे बढ़ना ये मनुष्य का पराक्रम है, तो ये करना चाहिए, हम इसको करेंगे। मैं अब आपको मूल विषय में फिर से लेके जाऊंगा, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं सेकंड वीडियो में आपसे वो बात करूंगा, हार्ट अटैक के विषय में मैंने काफ़ी रिसर्च करी हुई है, मैं आपको वो सब बातें बताऊंगा, लेकिन अभी इस वीडियो को मैं बहुत लंबा करूंगा तो आप लोग छोड़ दोगे, इसलिए आज के लिए नमस्कार।